www.thebrainfarm.com। को बता दूं कि दिल्ली में जो है वो बारिश हो रही है। आज तारीख है 24 जनवरी, जी हाँ 24 जनवरी की तारीख है और दिल्ली में बरसात हो रही है। ये आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर रुकी है। जी हाँ, ये है, जी हाँ, सीताराम दीवान चंद स्पेशलिस्ट इन चना बाबा। और हम है यहाँ पे चलते हैं लेजेंडरी छोले भटूरे। जी हाँ, और अब चलते हैं अंदर देखेंगे और बातचीत करेंगे। दिल्ली फेमस चना भटूरा, जी हाँ, वेन एवर यू आर कमिंग टू न्यू दिल्ली डू विजिट इफ यू लव चना भटूरा दिस प्लेस। थैंक यू सो मच। द लेजेंडरी छोले भटूरे फ्रॉम नवी दिल्ली। जी हाँ, और आप देख सकते हैं कि इनके छोले भटूरे कितने फेमस हैं। जी हाँ, ये आप देखिए रोल ऑफ चना छोले भटूरों के शौकीनों के लिए सॉफ्ट एंड स्पाइसी अफेयर। और ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये है सीताराम इंस्टेंटली अवेलेबल। सीताराम का जलवा केसर सूजी हलवा, जी हाँ। और ये रहा इनका मेन्यू, ये हिंदुस्तान सिटी नई दिल्ली। So you, this is the delicacy of Taram ji. सीताराम दीवान जी, दीवान चंद जी, जो कि छोले भटूरों के लिए मशहूर है नई दिल्ली में, उनके साथ। सर, आपके छोले भटूरों की खास बात क्या है? सर, कस्टमर्स हैं जो खास बनाते हैं इसको, जो काफ़ी लोग सालों से आ रहे हैं, खा रहे हैं जी, जुड़े हुए साथ में हमारे। जी हाँ, मैंने भी टेस्ट किया सर, बहुत अच्छा टेस्ट है। और मैं ये चाहता हूँ कि रेसिपी तो शायद आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी बनाने वाला अपनी रेसिपी को डिस्क्लोज नहीं करता है। मगर यदि हमारे दर्शक जो मुंबई से, नवी मुंबई से देखेंगे, क्योंकि हम नवी मुंबई से, मुंबई से हैं, तो उनको अगर आपके छोले भटूरे खाने हो और वहाँ से अगर वो दिल्ली आएँ, तो किस तरह से आपके पास पहुँचे? सर, यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आर के आश्रम आ गए, और ये न्यू दिल्ली के आसपास भी है। अच्छा, दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। ओके, अच्छा, अगर गूगल पे डालें तो क्या डालें? तो सीताराम छोले भटूरे डालें, सीताराम छोले भटूरे। ओके, तो वेरी नाइस सर, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।